बड़ी, बहुत बड़ी। मैं ऊपर से निकाल लेती हूँ, इतना सा कि बहुत ज्यादा बड़ा पहाड़ बन गया, तो ऊपर से निकाल दूंगी तो वो गंदा भी नहीं होगा। लड्डू बनना शुरू हो गया, किसी के चेहरे में मुस्कान भी आ गई, इसका मतलब लड्डू सही बन रहा है। देखो कितना खुश है, लड्डू बना गई गया पहला लड्डू। बिस्मिल्लाह, देख तो बड़ा शानदार हो गई, बहुत बड़ी। मैं ऊपर से निकाल लेती हूँ, इतना सा कि बहुत ज्यादा बड़ा पहाड़ बन गया, तो ऊपर से निकाल दूंगी तो वो गंदा भी नहीं होगा। लड्डू बनना शुरू हो गया, किसी के चेहरे में मुस्कान भी आ गई, इसका मतलब लड्डू सही बन रहा है। कितना खुश है, लड्डू बना गई गया पहला लड्डू। बिस्मिल्लाह, देख तो बड़ा शानदार रहा भाई। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं सारा कर रहा हूँ फोन से डेटा ट्रांसफर लैपटॉप में। इतना टाइम हो गया बताओ, तुम इतना काम कर रहे हो, रात भर खुले रखने हैं। हाँ खुले रख दो, तो वो सोच रहे थे बुलाओगे तो कुछ करवा लेंगे। छुआरे सनी ने थोड़े से डलवाए थे, उसने नहीं है अच्छे बने सारे, अकेले बना लिए पूरे। थी पता नहीं जमेंगे कि नहीं जमेंगे, लेकिन जम भी गए ना। हाँ। मम्मी पापा अगर आप देख रहे हो तो लड्डू बहुत अच्छे बनाया सब ना तुम्हारी बहू ने, अब मौजा आएगी तो आप लोग को बना के भी खिलाएगी। तो आपने देखा सनी की टंग स्लिप हुई और उन्होंने रेसिपी को ऐसे भी बोल दिया, जिस वजह से सबा भी उनको कॉपी कर रही है और रेसिपी बोल रही है। तो इस चीज़ को लेकर सबा को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सबा पहले रेसिपी कहना तो सीख लो तब कुछ बनाओ, और आपको कुकिंग आती ही नहीं तो क्यों किचन में जाती हो, इस तरह से सबा को कहा जा रहा है। मगर सबा जानती है कि उनको कुकिंग नहीं आती परफेक्ट तरीके से, मगर वो जो भी बनाती है कोशिश करती है, उसमें कुछ ना कुछ गलती हो भी जाती है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानती और नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और करने से इंसान सीखता है और प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। तो इस तरह सब रेसिपी देख कर जो है बना रही है लड्डू, और माशाल्लाह लड्डू बहुत अच्छे बने थे और सब ने खाकर बहुत तारीफ की थी सबा के लड्डू को। मगर सबा ने जो है कभी भी इस चीज़ को नहीं जाना कि वो कैसी भी रेसिपी देख कर बनाती हो या कैसे भी बनाती हो, जो भी रिजल्ट आता है अच्छा बनता है बुरा बनता है वो अपने फैंस के सामने लाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ट्रोल करने से, इस तरह से बुरा कहने से कुछ नहीं